आप बोले लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन 2019 में लगा दिया, दो बार लॉकडाउन लगा दिया। अरे कोई बात नहीं। नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक अपने सहयोगी सृजन के साथ आज हम जमशेदपुर में उबर ऑटो की जो लॉन्चिंग हुई है उसके लिए आज यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग मेला आयोजित किया गया है। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये हनुमान मंदिर है भालूबासा में, रोहन अखाड़ा हनुमान मंदिर जो है वहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। बहुत लोग जो हैं इस तरीके की जो सुविधाएं हैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस तरीके से लोग अपने घरों पे कभी चाहते हैं कि ऑटो घरों से मिल जाए और घर पे ही ऑनलाइन हम ऑटो को बुला लें और हमें कहीं भी डेस्टिनेशन में जाने में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए देखिए उबर ऑटो अब यहाँ पे शुरू हुआ है और जमशेदपुर में पहली बार इसकी लॉन्चिंग भी हुई है और यहाँ पे आज फ्री ज्वाइनिंग मेला आयोजित किया गया है। तो जितने भी हमारे ऑटो वाले भाई अगर फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे तो एक बार ज़रूर आए और ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग, और देखिए यहाँ पे सारे लोग हैं, यहाँ पे जो ऑटो वाले भाई लोग हैं देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और ज्वाइनिंग मेला में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और ये देखिए फ्री ज्वाइनिंग मेला, स्थान हनुमान मंदिर, रोहन अखाड़ा, भालूबासा, जमशेदपुर। उबर ऑटो, पहले तो आपने देखा था कि उबर के कार वगैरह भी थे, अब धीरे धीरे उबर अपना बिजनेस जो है वो जमशेदपुर में बढ़ा रहा है और उसी को लेके यहाँ पे आज ज्वाइनिंग मेला है। और बहुत ही जल्द आपको उबर की कार और फिर से उबर बाइक, जो आप उबर बाइक से भी लोग सवारी करना चाहते हैं क्योंकि सस्ती होती है और सिंगल आदमी अगर सवारी करना चाहे तो वो उसमें सवारी कर सकता है, तो उबर बाइक और कार के साथ अब टोटो, उबर टोटो भी आने वाली है बहुत जल्द जमशेदपुर में। तो इसको लेके यहाँ पे पूरी उबर की टीम है और हम उनसे बातें करेंगे कि पहले तो सोशल संवाद में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम धीरज कुमार यादव हुआ। बताइएगा उबर जो ऑटो आपने लॉन्च हुआ है और आज फ्री रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में बताइए किस तरीके से जमशेदपुर वासियों को इसका फ़ायदा होगा। ये जितने भी हमारे जमशेदपुर वासी हैं उनको घर बैठे अब एक उबर ड्राइवर उबर बुकिंग ऐप के थ्रू उनके पास गाड़ी, घर बैठे उनके पास दरवाजे पर गाड़ी जा सकती है। ऑटो हमारी जो उबर की सर्विस है ये उनके दरवाजे पर जा सकती है। अब उनको कहीं रास्ते पर निकले कोई ऑटो स्टैंड या वगैरह नहीं जाने की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट एक ऐप के माध्यम से अपना उबर ऑटो अपने घर पे बुला सकते हैं। और जो नए जो ज्वाइन करेंगे उबर में, जैसे जो ग्राहक होंगे उनको किस तरीके के डिस्काउंट्स मिलेंगे या क्या मिलेगा? वो 25% फेयर में डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, अभी 25% फेयर में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और बाकी जो उबर के कार वगैरह हैं वो कब से फिर से शुरू होंगे? वो जनवरी तक शुरू हो जाएगा कार। और आपने टोटो के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि टोटो भी शुरू होना, टोटो प्रोजेक्ट भी हम लोग का काम चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जो कि ये जनवरी या फरवरी तक ये भी लॉन्च हो जाएगा राइट नाउ जमशेदपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये देखिए ये पूरी टीम आई हुई है उबर की और यहाँ पे ये किया जा रहा है। और आप अगर जितने भी ऑटो वाले भाई साहब हैं, जितने भी ऑटो वाले लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आके वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी जमशेदपुर वासी हैं, और उबर ऑटो लाइव आज से हो जाएगा? हाँ, आज से लाइव हो जाएगा, आज से लाइव हो जाएगा। तो जितने भी जमशेदपुर वासी हैं वो इस ऐप को, उबर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसकी सवारी कर सकते हैं, अपने घर पे बैठे ही ऑटो को बुला सकते हैं और ज्वाइन भी करवा सकते हैं, ऑटो को ज्वाइन भी करवा सकते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार रिश्तेदार हैं तो उनको बोल सकते हैं यहाँ पे आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें दो मोड है, ऑनलाइन पेमेंट का भी मोड है, कैश का भी मोड है। जिनके पास कैश नहीं है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और जिनके पास कैश है वो कैश देके भी इस राइड को कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत राहत की खबर है जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं और जो घरों से राइड करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतर सर्विस है। तो इसका लाभ एक बार ज़रूर उठाएं।
हाँ पहले तो वही दिखा। नमस्कार जोहार, एक बार फिर से क्या हाल है जमशेदपुर। सबसे आज की जो सबसे ताज़ा तरीन और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है कि जमशेदपुर में उबर ऑटो की शुरुआत कर दी गई है। अभिषेक एक बार यहाँ दिखा दीजिए पहले। ये जितने ऑटोज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इन्हें यहाँ पर जोड़ा गया है और इनका जो लक्ष्य है वो कुछ लिमिटेड ऑटोज को ही जोड़ना नहीं है, जितने ज़्यादा लोगों तक ये भी जनसंपर्क बना सकें और जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ उबर परिवार में जोड़ सकें, ये इनका एक यहाँ पर प्रयास है जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास हमें यहाँ पर नज़र आया। फिर से एक बार बता दें, मेरे पीछे यहाँ पर हरिजन स्कूल दिख रहा होगा आपको, रोहन अखाड़े में इस वक्त मौजूद है। जो मैदान है जहाँ पर पंडाल वगैरह भी लगा करता है, वहाँ पर इस वक्त है और आपको ये आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके घरों पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो लेकर के लोग निकल जाते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके डैड हो, जो भी है। बच्चे भी आजकल गाड़ियाँ जो है 15-16 साल की उम्र में ही टू व्हीलर वगैरह लेकर के निकल जाते हैं। ऐसे में अगर किसी को कोई अर्जेंट काम आ जाए, कहीं जाना है, कहीं किसी कोई फंक्शन अटेंड करना है या फिर कोई मीटिंग है या फिर ऑफिस पहुँचना है टाइम पर, तो ऐसे में ये सुविधा इस सुविधा को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोग सड़कों पर निकलते थे और ये देखते थे कि जो सबसे नियरेस्ट ऑटो जो है, जो हमें मिले, जो सबसे पहले मिल जाए, तो उस ऑटो में बैठ करके हम निकल जाएं। और कई बार बहुत देर तक भी लोग ऑटो के इंतज़ार में खड़े रहते, तो वो इंतज़ार ख़त्म करने में इनका एक बहुत यहाँ पर अहम योगदान हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि उबर ऑटो के रूप में जमशेदपुर में इसका आगमन हो चुका है। और यहाँ से फिर ये अभी आगे पटना बढ़ेंगे, कलकत्ता वगैरह भी, सभी जगहों पर जो है ये लार्ज स्केल पर, क्योंकि ये पैन इंडिया एक्टिविटी है इनकी। पैन इंडिया एक्टिविटी में आप जानते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेस की बात नहीं है, और ये जो सुविधा है ये तो नागरिक सुविधा में आने वाली सबसे टॉप 3 टॉप 4 सुविधाओं में से एक है कि एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है तो ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है इसका भी नेटवर्क कितना बड़ा है आप सभी जानते हैं। सभी लोग अगर 2-व्हीलर 4-व्हीलर और इन सभी चीज़ों में अगर निकलने लगे तो ऑटोज़ की अहमियत कहीं कम नहीं हो जाएगी। लेकिन यही एक बात है कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर आप जमशेदपुर में भी घूम लीजिएगा तो मुझे लगता है कि 5,000 से 7,000 ऑटो, या फिर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा, 26,000 ऑटो है, वही तो कह रहा हूँ, गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा, 26,000 ऑटो जमशेदपुर शहर भर में चलते हैं। 15 लाख की आबादी है और 15 लाख की आबादी में सभी लोग जो है, सभी की आर्थिक स्थिति तो सही नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ऐसे में फिर और कुछ ऑटो वाले जो मनमाना जो किराया वसूल कर ले रहे थे उन पर भी नकेल कहीं ना कहीं कसी जा सकेगी इस एक्टिविटी के जरिए, क्योंकि ओला और उबर अभी से पहले आप लोगों ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा देखा। अभिषेक आप भी दिल्ली वगैरह में रहे हुए हैं, आप भी जानते हैं कि वहाँ पर जो है ये चीज़ें पहले ही बहुत कॉमन हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर धीरे धीरे ये शुरू की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ सपोर्ट भी करना है आप लोग घर बैठे बैठे, ये एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर फ्री ज्वाइनिंग मेला जो है दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रति रेफर, मतलब जितने भी लोगों को आप रेफर करते हैं, नकद 100 रुपये या फिर आपको एक आकर्षक उपहार मिलता है। अरे यार, 100 रुपये में ना 1 से 2 इलाका उबर ऑटो में बैठ करके आप घूम लीजिएगा। तो ऐसे में जमशेदपुर के लोगों के लिए सौगात उबर ऑटो लेकर के आई है। आप लोग भी इसका भरपूर प्रयोग, जितना प्रयोग कर सकते हो उतना प्रयोग करें। यार घर बैठे बैठे जोमेटो स्विगी में जैसे खाना बुक करते हैं, वैसे ही ऑटो बुक करना है। एक जगह से दूसरे जगह का लोकेशन डेस्टिनेशन डाल देना है और डेस्टिनेशन डालने के बाद जो राइड का कॉस्ट होता है वो भी आपको बिल्कुल रीजनेबल पड़ेगा, क्योंकि पर किलोमीटर या प्रति कुछ किलोमीटर्स के बेसिस पर एक फिक्स रेट इनका होता है, वो रेट लगता है और जो कि बिल्कुल ही वाजिब होता है, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं पेट्रोल डीजल और इन सभी चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सुविधा लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होगी, सहूलियत मिलेगी लोगों को। माहौल दिखा दीजिए अभी थोड़ा सा और, देखिए बहुत अच्छी बात कही है सृजन जी ने। और कहीं ना कहीं वैसे लोग जो जिनको ऑटो में दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि ऑटो में पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, थोड़ी दूर के लिए ऑटो वाले ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो यहाँ पे आपको रीज़नेबल रेट मिलेगा, बहुत कम रेट में आप ट्रैवल कर सकते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। हालांकि अब इसमें कितने जल्द से जल्द लोग इसका फ़ायदा उठाने लगेंगे ये देखने वाली चीज़ है। और ये लाइव हम आपके लिए शूट कर रहे थे, दोबारा से आपको दिखा दें एक बार कि कहाँ से हम लाइव हैं। उबर ऑटो फ्री ज्वाइनिंग मेला है हनुमान मंदिर रोहन अखाड़ा भालूबासा जमशेदपुर से। और सृजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे अब जल्द से जल्द लोगों को इसका फ़ायदा उठाना है और
अपने जो खर्चे हैं उसमें भी बचत ज़रूर करनी है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद इस तरीके की जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का खर्च कम करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों का जो पॉकेट का खर्च है, महीने का खर्च है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता राइड आपको जमशेदपुर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको अब अवेलेबल होगा। तो इस लाइव को भी शेयर करिएगा, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। और ये जो उबर की एक सोच है, वो यहाँ पे लेके आए हैं, उसको भी लोगों के साथ शेयर करिएगा और लोगों को बोलिएगा कि उबर ऑटो एक बार जरूर यूज करें। यहाँ पर दिखा दीजिए, ये भैया इनके बारे में बताइए, पहले इनके बारे में बता दीजिए। कुंवर जी हैं, बातचीत करने के लिए स्वागत है। उमर, हाँ बताइए बताइए, इनके बारे में बताइए। कुंवर प्रसाद मालक है, बेसिकली जमशेदपुर से ही हैं हम, और बहुत अच्छा लग रहा है आज ये मेला, क्योंकि आज यहाँ पर जितने ऑटो पार्टनर हैं, खासकर उन लोग के लिए फ्री सर्विस दिया जा रहा है, जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको स्पेशल गिफ्ट भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ आज हमारे साथ बैठिए भी, आज हमारे साथ जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करेंगे। उनको बेसिकली शेयर भाड़ा मिलता है, प्राइवेट भाड़ा मिलता है, लेकिन आज से ये डिजिटल जो प्रचार हो रहा है, डिजिटल काम हो रहा है, उसमें एक पहल और हमारे साथ हो रहा है कि उबर में जितने लोग आज डिजिटली काम करेंगे, डिजिटल से उनको बुकिंग आएगा, डिजिटल से ही उनको पैसा मिलने लगेगा। एक बहुत अच्छा मौका और अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हमारे पास अतुल से आए हुए हैं, हमारे ट्रेन है अतुल के माध्यम से आज ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए। मेरा नाम सर कुमार केतु, जोर से बोलिए। कुमार केतु है और मैं अतुल से आया हुआ हूँ, और मैं मार्केट का मतलब देखता हूँ। तो आज ये देख करके इसके बारे में हमको पता करना था कि क्या है इसके बारे में, क्या मतलब आगे के बारे में। जैसे हम लोग का सब CNG आता है, तो CNG की गाड़ी, क्योंकि अब धीरे धीरे डीजल की गाड़ी बंद हो जा रही है, प्रदूषण वगैरह बंद हो जा रही है सर जी। हाँ, तो प्रदूषण रहित के लिए हम लोग की कंपनी CNG निकाली है। ओके। तो CNG में ही हमारा अतुल कंपनी का है, बहुत ही मतलब अतुल का गाड़ी है, डीजल मतलब डाला गाड़ी भी है, पैसेंजर गाड़ी भी है, बैटरी वाला भी गाड़ी है, मतलब सारे चीज़ मतलब हमारे अतुल में की कंपनी में सारे अवेलेबल गाड़ी है। तो इन्हें आप भी रेफर करेंगे सर? इसके बारे में तो सर नहीं, हम तो अभी सर ये भी बता रहे हैं। कुंवर जी थोड़ा यहाँ आइए ना, तो जानकारी तो आप जो रेफर वाली बात बता रहे थे वो बताइए। जैसे रेफर कर रहे थे, अभी हम लोग जैसे कोई रेफर कर रहे हैं, बजाज हुआ, अतुल हुआ, या फिर किसी भी कंपनी को हम लोग रेफर करते हैं, तो उसमें बेसिकली ये रहता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं, भैया हमको ऑटो चेंज करना है, अब डीजल पुराना मॉडल हो गया, सिंगल नंबर हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं कि मेरे को नया गाड़ी चाहिए। तो हम बेसिकली अच्छे कंपनी को हम रेफर करते हैं कि आप जाइए वहाँ से अपना गाड़ी एक्सचेंज करा लीजिए, ठीक है? तो एक बेहतरीन मौका है, सबसे खास बात यह है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, कोई पार्टनर एक दूसरे को रेफर करता है तो एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, ऑटो से ऑटो कर रेफर कर रहा है, जो हमारे साथ उबर में रह करके काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, बहुत सुनहरा मौका जमशेदपुर के सभी ऑटो भाइयों के लिए और जमशेदपुर वासियों के लिए भी, ताकि वो सस्ते से सस्ते राइड्स अब जमशेदपुर में एक कोने से दूसरे कोने तक कर सकते हैं। इस लाइव को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि जमशेदपुर में डेवलपमेंट की ये कुछ अहम पहलू हैं जिसकी वजह से जमशेदपुर रोशन होगा। तब तक के लिए देखते रहे सुजन संवाद, मैं अभिषेक अपने सहयोगी सुजन के साथ। जय हिंद दोस्तों।